Good morning, students. Welcome to social science class. Students, in our previous video, we have discussed about the scheduled caste and scheduled tribes. Those were marginalized means wo hamari mainstream se alag kar diye gaye. They were discriminated and they were deprived from the facilities, all type of facilities. Ki unhe education nahi mil raha tha, acha लाइफस्टाइल नहीं था उनके पास. ओके, सो टू अपलिफ्ट देम आर गवर्नमेंट हैड डन सो मैनी वर्क फॉर देम. बहुत सारे मेजर्स ऐसे बनाए गए, बहुत सारी पॉलिसीज फॉर्म की गई टू अपलिफ्ट दीज पीपल. ओके, ये जो डिप्रेव्ड थे और मार्जिनलाइज लोग थे, इनको एक लेवल पर, एक प्रॉपर स्टेटस पर लाने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स ने बहुत सारी पॉलिसीज़ बनाई, बहुत सारी मेथड्स यूज़ किए कि उन्हें अपलिफ्ट किया जा सके. ओके, सो रिजर्वेशन, रिजर्वेशन इज़ वन ऑफ देम. बहुत इम्पॉर्टेंट एक जो तरीका था, जो एक पॉलिसी बनाई गई, दैट इज़ रिजर्वेशन. एंड कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स इंक्लूड दिस प्रोविजन टू अपलिफ्ट ऑप्रेस्ड एंड मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी हु वर डिनाइड रिस्पेक्ट एंड इक्वलिटी. कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स ने जो डिप्रिव्ड लोग थे, जो मार्जिनलाइज पर्सन्स थे, जो बिल्कुल जिनको हमने डोमिनेट किया हुआ था हायर कास्ट ने, उन लोगों के लिए ये एक प्रोविजन स्टार्ट किया. ओके, और अकॉर्डिंग टू दिस जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो इक्वली प्रोवाइड की जाने लगी सबको. बिफोर इंडिपेंडेंस ब्रिटिशर्स एंड हायर क्लासेस जो थी वो इन्हें डोमिनेट करके रखती थी. एजुकेशन की फैसिलिटीज़ नहीं थी इनके पास, इन्हें विलेज से बाहर रखा जाता था. ओके, so now our government has given them the provision to get education. ठीक है, अब वो education इन्हें कैसे मिलेगी? For these people our constitution framers reserved some seats. ठीक है, कुछ seats को reserve किया जाने लगा इनके लिए. ठीक, अब reserve क्या होता है? हम अब buses में, trains में अपनी seat reserve करवाते हैं. इट मीन्स वो पर्टिकुलर सीट नंबर जो है वो हमारे लिए रिजर्व है, उस पर कोई और नहीं बैठ सकता. यही होता है रिजर्वेशन. ओके, तो सेम विद दिस कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं एजुकेशन के लिए, स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्टल्स, वहाँ पर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और अदर बैकवर्ड क्लासेस, इन लोगों के लिए रिजर्व कर दी गई हैं सीट्स. ठीक है, तो सीट्स आर रिजर्व फॉर देम, वेदर इट इज़ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और फॉर अ जॉब और आर लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑल्सो. हमारी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, मीन्स लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, ये सब जो हैं, इनमें भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स को प्रॉपर रिजर्वेशन गिवन है. ओके, जॉब्स में भी इन्हें रिजर्वेशन दी गई है और एजुकेशन में भी इन्हें रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया है. ओके, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ टेकन कंक्रीट स्टेप टू प्रोवाइड सोशल जस्टिस टू ऑल एंड टू एंड इनइक्वालिटी इन आर सोसाइटी. अंडर दिस पॉलिसी सीट्स आर रिजर्व फॉर एससी, एसटी, ओबीसीज इन द लेजिस्लेचर, गवर्नमेंट सर्विसेज, स्कूल, कॉलेजेस एटसेट्रा. They are also given relaxation is upper age limit. Okay, अगर normally जो general categories हैं उन्हें अगर 30 और 32 years की age तक exam देने का या job में आने के लिए age limit रखी गई है, तो यहाँ पर schedule caste, schedule tribe और other backward classes के लिए age limit बढ़ा दी जाती है. ओके, रिलैक्सेशन दिया गया है एज लिमिट में, तो उन्हें 40 इयर्स तक या 42 इयर्स तक या जो भी उनकी एज लिमिट सेट की गई है,
तो वहाँ तक वो अपनी जॉब के लिए ट्राई कर सकते हैं। ओके, तो जॉब के लिए या एजुकेशन के लिए जो अपर एज लिमिट है उसमें भी रिलैक्सेशन गिवन है। सो दीज स्पेशल प्रोविजंस, व्हाई दीज स्पेशल प्रोविजंस गिवन टू देम, सो दैट दे कैन अपलिफ्ट देमसेल्फ, उन्हें सोसाइटी में एक प्रॉपर स्टेटस मिले। ओके, तो जो राइटफुल प्लेस मिले उन्हें सोसाइटी में, इसलिए ये रिजर्वेशन गिवन है। ओके, द आइडिया बिहाइंड द रिजर्वेशन इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इज टू इंक्रीज द डाइवर्सिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंड टू ब्रिंग अबाउट सोशल इक्वलिटी इन इंडिया। However, the minority institutions that are run by religious bodies are exempted from this rule. Reservation educational institution में दिया गया ताकि जो representation है उसमें diversity हो सके, यानी कि हर तरह का look person उसमें involve हो सके, whether he or she from minorities or from the backward classes, ठीक है, जो सिर्फ upper class या मेजॉरिटी जो एक मेजर रिलीजन है वो ही हर काम में आगे ना आए, वो ही लोगों को रिप्रेजेंट ना करे, हर तरह के लोग रिप्रेजेंटेशन में अपना इन्वॉल्व हो सकें, इसलिए रिजर्वेशन का ये आइडिया आया था। ओके, बट जो मिनोरिटीज़ मीन्स अगर दूसरे रिलीजन के लोग अपने लिए कोई इंस्टीट्यूशंस बना रहे हैं जो रिलीजियस फॉर्म पर बने हुए हैं, तो वहाँ पर हमारा ये रिजर्वेशन का जो पॉलिसी है उसे इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता। ओके, मिनोरिटीज़ के इंस्टीट्यूशन में जैसे क्रिश्चियंस के स्कूल हैं या क्रिश्चियंस और दूसरी कोई मुस्लिम्स जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, अगर वो वहाँ पर रिजर्वेशन नहीं देना चाहते तो हम उन्हें फोर्स नहीं कर सकते हैं, ठीक है, दे आर फ्री, वो अपने लेवल पर अपनी पॉलिसीज बनाने के लिए फ्री हैं। ये पॉलिसीज कहाँ पर इम्प्लीमेंट की जाती हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, मैक्सिमम उन एरियाज़ में रिजर्वेशन की पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट किया जाता है। ओके, नाउ देयर इज़ डू यू नो आर्टिकल 334 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन द प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में लिखा गया है, 334 आर्टिकल में रिजर्वेशन प्रोवाइड की गई है, टू रियलाइज सोशल इक्वलिटी by reserving seat in Lok Sabha and in the state legislative assemblies for the scheduled caste and scheduled tribes. Social equality provide karne ke liye ki Lok Sabha, Rajya Sabha, state legislative assemblies, scheduled caste aur scheduled tribe ko in sab areas mein reservation di jaye taki wo apne aap ko equal samjhe, unhe ye na feel ho ke unki koi bhi baat ko nahi samjha ja raha, koi value nahi di ja rahi hai, theek hai, to unhe equal status provide karne ke liye article 334 mein reservation ki jo provision hai wo given hai. As a political safeguard, seats in the Lok Sabha, state assemblies, panchayat and municipalities are reserved for the scheduled caste, scheduled tribe in proportion to their population. Provision has been made in our constitution to give representation to the Anglo-Indian minority community also if otherwise not adequately represented. Ab Lok Sabha aur Rajya Sabha mein aapne padha hai ki hamare jo president hain, he can appoint two Anglo-Indians, ठीक है, तो वो Anglo-Indians को कैसे appoint कर सकते हैं, अगर Anglo-Indians को लोकसभा में proper representation नहीं मिलती है तब हमारे president को ये right है कि वो दो Anglo-Indians को appoint कर सकते हैं। okay, तो Anglo-Indians भी minority में आते हैं, इसलिए उन्हें उनका proper status देने के लिए, उनको equality देने के लिए उन्हें नॉमिनेट किया जाता है या अपॉइंट किया जाता है। और सेम विद शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स, कि एक एरिया में जितने भी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनको उनकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग लोकसभा, स्टेट असेंबलीज यानी कि विधानसभा, पंचायत और म्यूनिसिपलिटीज़ में रिजर्वेशन प्रोवाइड की जाती है।
ओके, सो दिस इज़ अबाउट रिजर्वेशन, कि हमने जो डिप्रेव्ड क्लासेस थी, जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी ग्रुप्स थे, उनके लिए हमारी गवर्नमेंट ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्कर्स ने क्या प्रोविजंस दी हैं. ओके, सो द मेन प्रोविजन इज रिजर्वेशन. कीप इट इन माइंड दैट दिस रिजर्वेशन इज गिवन टू देम ओनली फॉर 10 ईयर्स. जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था तो ये सिर्फ 10 साल के लिए प्रोवाइड की गई थी, बट इसे फर्दर आगे इसके जो लिमिट थी उसको बढ़ाते गए. रीज़न क्या था कि सभी एरियाज़ में, रिजर्वेशन के कारण सभी एरियाज़ में इक्वल स्टेटस नहीं हो पाया था. बहुत से एरियाज़ में अभी भी लोग अपना वही डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा था उनके साथ, उनके साथ प्रॉपर बिहेव नहीं किया जा रहा था, इनह्यूमन एक्टिविटीज़ हो रही थी. तो इस तरह के एक्टिविटीज़ को ख़त्म करने के लिए और डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने के लिए ये रिजर्वेशन आज तक हमारी सोसाइटी में है. ओके, सो दिस इज़ अबाउट द प्रोविजन दैट इज़ गिवन अंडर द आर्टिकल 334 ऑफ आर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.